Hello there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies जो आपको easily 3 star दिला सकती है होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। सो अभी मैं TS10 की strategies ला रहा हूँ आपके लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था होवी स्ट्रेटजी विद ब्लिजर्ड, जो एक awesome स्ट्रेटजी थी, ग्राउंड स्ट्रेटजी जो आपको easily 3 star दिला सके। सो आज मैं आपके जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नए नए ऑसम स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए डालने वाला हूँ, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए द बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ टाउन हॉल 10, गिबोविच। जी हाँ, गिबोविच का मतलब जायंट्स प्लस बॉलर्स प्लस विचेस। जैप को एक भी करना है हमें, जिसे इन्फर्नो डाउन करना है। तो चलिए बढ़ते आज के वीडियो की तरफ। ये बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है जो कोई भी यूज करके इजी 3 स्टार कर सकता है। चलिए देखते हैं आज की आर्मी। मैं यूज करने वाला हूँ 10 जायंट्स, 10 विचेस, 10 बॉलर्स और 5 वॉल ब्रेकर्स। वॉल ब्रेकर्स इसीलिए लिए क्योंकि मैंने सी बैरक्स लिया है, तो वॉल ब्रेकर्स वॉल तोड़ने काम आएंगे। और स्पेल्स में मैंने लिए 8 लाइटनिंग स्पेल्स, 2 अर्थक्वेक, 1 फ्रीज। 10 का असर रूप मैंने लिए 5 बॉलर, 1 जायंट, पॉइजन और सीज बैरक। चलिए फिर बढ़ते आज का डेक की तरफ। आर्चर क्वीन भी मेरी है और सर्वेंट किंग भी फुल हेल्थ पे है। लेट्स गो फॉर द अटैक। देखिए पहले तो आपको क्या करना है, सारे जायंट छोड़ देने हैं। उसके पहले आप 4 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक से इन्फर्नो डाउन कर दीजिए। इन्फर्नो के साथ साइड बिल्डिंग्स भी लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बॉम्ब टावर और एयर स्वीपर दोनों को डाउन किया है और इसी के साथ एक्सपो बच गए थोड़े से, लेकिन दोनों इन्फर्नो हमारे डाउन हो चुके हैं। सो बम डाल देंगे हमारे सारे जायंट्स उनके पीछे। देखिए 2-2 करके मैंने कॉर्नर पर डाल दिए वॉल ब्रेकर, इससे ही वॉल टूट जाएगी। फिर उनके पीछे विचेस एंड बॉलर, फिर बीच में डाल देंगे सीज बैरक्स, बारबेरियन किंग और आर्चर क्वीन। तो देखिए ये अटैक हमारा तीनों तरफ से होगा। एक साइड पे देख सकते हैं बैकअप बोलर और जायंट है, बीच में आर्चर क्वीन, दूसरे कॉर्नर तीसरे कॉर्नर पे जायंट्स और बोलर। तो आप देख सकते हैं किसी में से निकला है सुपर मिनियन और बेबी ड्रैगन। सुपर मिनियन को फ्रीज रखना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। देख सकते हैं अब हमारे जायंट्स यहाँ पे टैंक का काम करेंगे, जिससे पीछे के टूप सेफ रहे, विचेस और बॉलर सेफ है पीछे। और हमारा जायंट्स डैमेज ले रहे हैं, यहाँ पे सुपर मिनियंस बहुत डैमेज दे रहे हैं और उसे विचेस और आर्चर क्वीन ने डाउन कर दिया है। तो हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे गाइस, देखते हैं। ये भी एक ओवर पावर स्ट्रेटजी है जिससे आप इजीली 3 स्टार कर सकते हैं। तो ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, हमेशा आपको ये स्ट्रेटजी 3 स्टार दिला सकती। शर्त ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और इस स्ट्रेटजी में महारत हासिल कर लीजिए, तो ये स्ट्रेटजी आपको हमेशा 3 स्टार दिला देगी। गिबोविच जायंट्स हमारे काम करेंगे टैंक का, जिससे विचेस के स्केलेटन, बॉलर्स और सीज बैरक्स के विजार्ड सेफ रहे। स्वामी अटैक इजीली 3 स्टार कर पाते हैं। अटैक हो चुका है हमारा 3 स्टार गाइस, लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। यहाँ पर देखिए आप पहले मैं डाउन करूंगा इन्फर्नो को 4 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक से, दूसरे इन्फर्नो को भी डाउन कर दूंगा 4 लाइटनिंग और 1 अर्थक्वेक से। फिर हम सीसी की तरफ से डाल देंगे सारे जायंट्स, फिर उनके पीछे विचेस, उनके पीछे बॉलर्स, फिर डाल देंगे हमारा सीज बैरक्स, बारबेरियन किंग, आर्चर क्वीन, फिर 2-2 करके वॉल ब्रेकर्स डाल दीजिए। देखिए दोनों साइड की एक एक वॉल वॉल ब्रेकर्स ने तोड़ दिए। यहाँ पे सीसी में से निकला है सुपर मिनियन और बेबी ड्रैगन, सो हमने उन्हें फ्रीज कर दिया है, पॉइजन भी डाल दिया है। तो देखिए हमारे वॉल ब्रेकर्स ने उनका काम कर दिया, वॉल तोड़ दिया, जिससे विजार्ड जो है एक्सपो की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सपो को डिस्ट्रॉय कर देंगे और बाकी के जो हमारे
ट्रूप्स है वो तीनों तरफ से अटैक कर रहे हैं। एक साइड पे देखिए जायंट्स और बॉलर थे, दूसरी कॉर्नर पे विचिज और बॉलर थे, सेंटर में आर्चर क्वीन पेका जायंट्स और विचिज है। व्हाट एन ऑसम अटैक गाइस। देख सकते हैं आप कितनी इजीली हम 3 स्टार कर पा रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रेटजी यूज करके, तो आप भी इजीली 3 स्टार कर पाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए स्ट्रेटजी को, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए मुझे। ये हमारे 8 सेकंड बढ़ चुकी है एक्सपो की तरफ, एक्सपो वो डिस्ट्रॉय कर देगी। और अब बचे हमारे थोड़े से डिफेंसिस, एक विजर्ड टावर है जिसे बॉलर डाउन कर रहे हैं, एक आर्चर टावर और एक विजर्ड टावर बचा है जिन्हें आर्चर क्वीन इजीली डाउन कर देगी। आर्चर क्वीन की एबिलिटी भी अभी बाकी है। सो गाइस, ये सीसी में से निकला था सुपर मिनियन जो है बहुत खतरनाक, और हमारी ग्राउंड स्ट्रेटजी है सो हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन हम फेल नहीं हो रहे क्योंकि ये है एक ओवर पावर्ड स्ट्रेटजी गिबोविच। लेट्स सी अनदर अटैक ऑफ द सेम स्ट्रेटजी गाइस। पहले हम डाउन करेंगे हमारे इन्फर्नो। ये बेस ऐसा है जैसे देखिए आप इन्फर्नो के आजू बाजू में कोई बिल्डिंग्स है ही नहीं, सो हम साइड बिल्डिंग नहीं डाउन कर सकते। सो आप डाउन मत करने जाइए, नहीं तो आपका इन्फर्नो डाउन नहीं होगा। उससे एक अर्थक्वेक बच गया था तो मैंने ऐसे डाल दिया है। फिर हम सीसी की तरफ से चालू कर देंगे हमारा अटैक, सारे जायंट्स डाल देंगे, उनके पीछे विचिस, उनके पीछे बॉलर्स, फिर सीड बैरक्स। यहाँ पे सीसी में से निकल चुका है सुपर मिनियन, तो मैंने फीज और पॉइजन डाल दिया है। फिर डालेंगे सीड बैरक्स, बारबेरियन किंग, आर्चर क्वीन और सारे वॉल ब्रेकर। और ये पॉइजन की वजह से सुपर मिनियन हो चुके हैं डिस्ट्रॉय। और इसी बैरक्स में से हमारे निकले बॉलर और जायंट। ये देखिए आप तीनों तरफ से हमारा अटैक होते हुए, बीच में आर्चर क्वीन, बॉलर्स और विजर्ड्स, दूसरी कॉर्नर पे बारबेरियन किंग और विचिस, और तीसरी क्वार्टर पे पैक और बॉलर। तो गाइस ये एक ऑसम स्ट्रेटजी है जिससे आप इजीली कोई भी बेस पे 3 स्टार कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाए हैं। और इसमें सीसी में से थे सुपर मिनियन जो बहुत खतरनाक होते हैं ग्राउंड अटैक के लिए। हमारा अटैक फेल भी हो सकता था लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये है एक ओवर पावर्ड स्ट्रेटजी। क्या हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे गाइस, क्या लगता है आपको? लेट्स वेट एंड वॉच। आर्चर क्वीन की एबिलिटी हो चुकी है यूज, बचा है एक आर्चर टावर, उस एबिलिटी कर चुके हैं डिस्ट्रॉय। सो हमारा अटैक ये हो जाएगा 3 स्टार गाइस। 99% हमारा अटैक हो चुका है, टाउन हॉल बचा है, सो 2 स्टार बचे हुए अभी भी। टाइम हमारे पास बहुत सारा है, 38 सेकेंड्स है, सो ईजीली हम अटैक 3 स्टार कर देंगे। ये एक बहुत टफ बेस था लेकिन फिर भी हमने 3 स्टार किया है। मैक्स विचिस बचे हैं, देखिए स्केलेटन बहुत सारे, विजार्ड भी है, तो इसीलिए हमें अटैक कर चुके हैं 3 स्टार। ऑसम गाइस, लेट्स सी अनदर अटैक ऑफ द सेम स्ट्रेटजी। यहाँ देखिए आप मोर्टार भी लेके दिखाऊंगा मैं आपको इन्फर्नो के साथ। देखिए दोनों मोर्टार और एयर स्वीपर डाउन, इन्फर्नो भी डाउन, यहाँ पे भी सेम किया है। देखिए एग्जैक्टली इन्फर्नो के ऊपर डाला तो मोर्टार्स को भी डैमेज मिल गया और एयर स्वीपर दोनों डाउन हो चुके। व्हाट एन ऑसम अटैक गाइस। पहले से ही इतना कुछ तो लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। फिर हम डाल देंगे जायंट्स, विचिस, बॉलर, फिर वॉल रेकर्ड छोड़ दिए, उसके भी जो डाल दिए सीट बैरक्स, मार्बेन क्वीन और आर्चर क्वीन। वॉल ब्रेकर्स ने वॉल्स को डैमेज दे दिया था जिससे ट्रूप्स ने वॉल्स तोड़ दी इजीली और ट्रूप जा चुके अंदर। और इसी में से निकला है बेबी ड्रैगन और सुपर मिनियन, तो उन्हें फ्रीज कर दिया है पॉइजन डाल के।
ये देखिए सुपर मिनियन का लॉन्ग शॉट, वहीं से सीसी के पास से खड़े खड़े अटैक कर रहे हैं वो लोग और उन्हें पॉइजन ने कर दिया है डिस्ट्रॉय। इसीलिए आपको पॉइजन रखना ज़रूरी है, अगर आपने पॉइजन नहीं रखा तो यहाँ सुपर मिनियन डिस्ट्रॉय नहीं होते, जिससे कि आपका अटैक वो फेल भी कर सकते थे। ओहो यहाँ पे सारे ट्रैप्स एक्टिव हो चुके, सारे हिडन डेस्लास, विच टावर, सारे हमारे ट्रूप पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे? लेट्स सी। हिडन टेस्लास सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब यहाँ पे बचा है एक विच टावर, आर्चर टावर, और वहाँ पे 2 कैनन्स और एक आर्चर टावर। मैक्सिमम ट्रूप्स हमारे बचे हुए हैं, सो इजीली हम अटैक 3 स्टार कर जाएंगे। व्हाट एन ऑसम अटैक गाइस। आर्चर क्वीन की एबिलिटी यूज कर लिए, पेका, बॉलर, विजार्ड, विचिस सब बचे हुए हैं, सो इजीली अटैक हो गया हमारा 3 स्टार। लेट अस सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। TH-13 रश बेस है, उस पर अटैक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर टाउन हॉल भी अटैक करेगा, तो हमें उससे भी बचना है, और इसके पास रॉयल चैंपियन भी है, हीरो इंफर्नोज है। देखिए अब मैं किस तरह से लाइटनिंग डालूंगा, वो खास देखिए आप। वो देखिए वहाँ की एक साइड बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय कर दी है मैंने, और यहाँ पे एयर स्वीपर भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन्फर्नो लो लेवल के थे तो उन्हें लाइटनिंग कम लगेगी, सो लास्ट इन्फर्नो को थोड़ा सा ही उसका हिट पॉइंट बचा हुआ है, तो बम डाल देंगे सारे जायंट्स हमारे, उनके भी टेविचीज, बॉलर्स और फिर वॉल ब्रेकर भी छोड़ दीजिए, जिससे वॉल तोड़ दें तो हमारे सारे जायंट्स अंदर जाएंगे। इसी बैरक्स बारबेन किंग आर्चर क्वीन डाल दिया हमने, क्लैन कासल था एम्प्टी, सो मैंने रॉयल चैंपियन और बारबेन किंग के बीच में डाल दिया है पॉइजन। अब ये देखिए मेन चीज यहाँ पे टाउन हॉल अटैक कर रहा है, टाउन हॉल बहुत ज़्यादा डैमेज दे जाता है, इसीलिए मैंने फीस डाल दिया, और वहाँ पे हमारे पैकाज है, सो हमें टेंशन नहीं है, पैका बचा रहेगा, अगर उसकी जगह बॉलर्स होते तो सारे बॉलर्स डिस्ट्रॉय हो जाते। ईगल आर्टिलरी हो चुके डाउन, एक इन्फर्नो बचा है, देखते हैं वो कितना डैमेज देगा या डिस्ट्रॉय हो पाएगा। ये देखिए अब इस स्ट्रेटजी का प्लस पॉइंट, तीनों तरफ से आपका अटैक हो रहा है, आर्चर क्वीन, पेका, बॉलर, विचिस, जायंट्स सब मिलकर तीनों तरफ से अटैक करें, जिससे आपका टाइम फेल भी ना हो और इजीली आपका अटैक 3 स्टार हो जाए। व्हाट एन ऑसम स्ट्रेटजी। लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। पहले आप डाल दीजिए लाइटनिंग और अर्थक्वेक, बारबेन किंग के जो हिट पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। अगर बारबेन किंग की जगह आर्चर क्वीन होती तो हम उसे डाउन कर देते। तो हमारे इन्फर्नोस डाउन हो चुके हैं, सो हम डाल देंगे जायंट्स, विचिस, बॉलर्स, सीथ बैरक्स, बारबेन किंग, आर्चर क्वीन, बॉल ब्रेकर्स। देखिए तीनों तरफ से हमारा अटैक हो रहा है, बीच में आर्चर क्वीन, बॉलर, कॉर्नर में जायंट्स, बारबेन किंग, पेका, बॉलर और यहाँ पे विच और बॉलर।
बहुत एक ईजी अटैक गाइस, एक बहुत ईजी स्ट्रेटजी से कोई भी लर्न करके इजीली 3 स्टार कर सकता है। तो इजीली हमने अटैक कर लिया है 3 स्टार, ओवरपावर्ड एंड ऑसम बोथ इन वन पीस, बोबोविच डिबोविच स्ट्रेटजी टाउन हॉल 10 के लिए। तो गाइस इसीलिए हमने अटैक कर लिया है 3 स्टार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय गाइस।